नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर, एक स्टॉक है त्रिवेणी टर्बाइन, इसके फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं और बाद में ये चर्चा कर रहे हैं कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने लायक स्टॉक है या नहीं, लॉन्ग टर्म निवेश करने लायक है या नहीं, या शॉर्ट टर्म निवेश करने लायक है, किस प्रकार का स्टॉक है। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, और अगर आप न्यू कमर हैं तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा स्टॉक में, किस तरह से स्टॉक का फंडामेंटल देखेंगे। और ज्यादा कुछ मैं आपको ऐसा विस्तृत नहीं बताऊंगा, जैसे कि जिसको ज्यादा समझने में कुछ कठिनाई हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊँ कैसे इसका फंडामेंटल देख सकते हैं और हम एक मल्टीपल स्टॉक चुन सकते हैं। तो त्रिवेणी टर्बाइन स्टॉक्स को देखते हैं। अगर इस स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक जो मैन्युफैक्चर करता है सप्लाई ऑफ पावर जनरेटर और इक्विपमेंट सॉल्यूशन बनाता है ये स्टॉक। अब ये कंपनी के अगर हम वेबसाइट पे चलना चाहें तो वेबसाइट पे देखें कि ये पावर जनरेटर जो मैन्युफैक्चर करता है और टर्बाइन बनाने में विश्व की अग्रणी कंपनियों में से एक है। अगर थोड़ा सा और आगे इसमें देखें, उसके बाद इसकी वेबसाइट पर देखेंगे, तो कंपनी जो है ये एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जिसका 1 से 100 मेगावाट तक की कैपेसिटी के ये डिफरेंट टाइप के ये टर्बाइन्स बनाती है। और इसमें अगर देखा जाए तो मार्केट पोजीशन में ये देखिए 30 से 100 मेगावाट मार्केट कैप एम और वन ऑफ द टॉप 3 सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है। तो कंपनी काफी कुछ देखने में अच्छी लग रही है, अच्छे अच्छे टर्बाइन्स बनाती है और टर्बाइन बनाने में काफी और काफी देशों में इसका निर्यात भी होता है। काफी देशों में ये टर्बाइन्स को इसका ऑर्डर बुक देखिए, ऑर्डर बुक और कंपनी स्टूडेंट 1405 करोड़ जून 2023 से। उसके बाद रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू कहाँ से कंपनी का जो ऑर्डर जो मेजर रेवेन्यू आता है वो मेजर रेवेन्यू ऑफ द कंपनी कम्स फ्रॉम प्रोडक्ट सेल। कंपनी ये एक्सपेंडेड द आफ्टर मार्केट पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग जियोथर्मल गैस टर्बाइन्स अदर रोटेटिंग इक्विपमेंट एंड सर्विस ऑफ द यूटिलिटी टर्बाइन्स। तो ये टर्बाइन्स बनाने में बहुत ही इसको कहें कि विश्व की बता रहा हूँ दूसरी अग्रणी कंपनी है। तो उसके बाद काफी देशों में इसके टर्बाइन्स अपने टर्बाइन्स को ये भेजती भी है और काफी बेहतरीन कंपनी, फंडामेंटल भी लग रहे हैं। तो उसे फंडामेंटल अगर चलते हैं तो वो देखते हैं। मार्केट कैप अगर देखें इसका 24,294 करोड़ का मार्केट कैप है और करेंट प्राइस 764 रुपया है। हाई इसने 844 का लगाया, लो इसका था 312 रुपए का। स्टॉक पीई रेशियो है इसका वो 84 रुपए का है। उसके बाद डिविडेंड यील्ड भी देती है 0.34% का डिविडेंड है। वो आरओसी आरओई देखिए कितना जबरदस्त मेंटेन कर रखा है इसने, 38.3% और आरओई है जो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी है 28.5%। फेस वैल्यू 1 रुपए की है, इसका मतलब फेस वैल्यू से ये होता है कि ये अगर 10 की फेस वैल्यू होती है तो स्टॉक स्प्लिट वगैरह के चांस होते हैं, फेस वैल्यू इसकी 1 रुपए की है। पीईजी रेशियो देखिए, पीईजी रेशियो इसका 4.20 है, जो पीजी रेशियो है 4.20 है और इंडस्ट्री पी जो है इसकी 59.5 की है। अब अगर देखा जाए तो पीईजी रेशियो से ये लग रहा है कि ये कंपनी थोड़ा ओवर वैल्यूड है, क्योंकि पीजी रेशियो अगर 1 से अगर बड़ा होता है तो कंपनी ओवर वैल्यूड की श्रेणी में आ जाती है। अब उसके लेकिन अगर केवल पीजी रेशियो से ही पता नहीं चलता, आगे भी देखते हैं। तो क्वार्टरली सेल्स देखिए 23.1% की है और क्वार्टरली प्रॉफिट जो है 31.7% का है। उसके बाद डेब्ट टू इक्विटी देखिए 0 है, ये बहुत अच्छी बात है, कर्जा बिल्कुल नहीं है इसके पास। और अर्निंग पर शेयर है इसका 9.07। रिजर्व देखिए 928 रुपए का है और पेट्रोस्कू स्कोर देखिए 9 का है। क्या जबरदस्त स्कोर है इसका, मतलब कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, इसका फंडामेंटल बहुत जबरदस्त। जब पेट्रोस्की जो स्कोर अगर 9 होता है, क्योंकि 9 ही पॉइंट होते हैं और 9 पॉइंट से ही कंपनी को ये देखा जाता है, तो ये स्कोर जो 9 में 9 नंबर लेके आई है कंपनी, बहुत ही जबरदस्त इसका फंडामेंटल है। सेल्स ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ 27.5 की है। उसके बाद प्लेज परसेंटेज बिल्कुल नहीं है, सेल्स ग्रोथ 5 साल की 14.5% है, 3 साल की है 33%, 5 साल से लगातार 14% मेंटेन कर रही है और पिछले 3 साल से 33% मेंटेन कर रही है। प्रमोटर की होल्डिंग 55.8% है। उसके बाद DII होल्डिंग 12.3 है। सारा कुछ अच्छा, बेहतरीन फंडामेंटल। अब इस फंडामेंटल के यहां तक तो कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। इस कंपनी को अगर हम कहें कि लॉन्ग टर्म के लिए शामिल कर सकते हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे चर्चा करेंगे, इसके टेक्निकल चार्ट पे भी चलेंगे और कहां से कंपनी को उठाना है, क्या करना है, सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद अब इसके मंथली उस पर देखते हैं बाय ऑन बाय और क्यू एंड क्यू बेसिस क्या हाल है इस कंपनी का। अब देखिए हम इसके बाय ऑन बाय पे आ गए कि ये कहां से देख रहा हूँ इसको मैं, यहाँ से देखो आप जून 2021 से देखो, 2021 फिर सितंबर 2021 दिसंबर 2021 लगातार देखना, 184, 206, 225, 237, 259, ये देखिए आप सेल्स लगातार ग्रोइंग मोड में ऊपर जा रही है।
कंपनी को देखने के यही है कि सेल्स लगातार ग्रोइंग मोड में ऊपर जानी चाहिए, लगातार ग्रोइंग मोड ऊपर जा रही है, एक्सपेंस जो है एक्सपेंस ही बढ़ रहा है सेल्स के साथ। उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रॉफिट देखिए आप, नेट प्रॉफिट ये देखिए, 36 है, 33 है, 38 है, 40 है, 53 है, 56 है, 61 है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ईपीएस भी लगातार बढ़ रहा है, काफी कुछ अच्छा नजर आ रहा है। उसके बाद अब इसके जो सेल्स आती है साल दर साल देखिए, 2000 कहाँ से है, ये 2013 से है, 665, 518, 651, 713, अब सेल्स बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गई है, ये लगभग 1654 करोड़ तक आ गई है, और 1741 करोड़, ये देखिए लगातार बढ़ती जा रही है सेल्स। उसके बाद अगर ये देखें प्रॉफिट, इसका भी देखें नेट प्रॉफिट, तो लगातार यहाँ पे भी देखो इंक्रीज हो रहा है साल दर साल, ठीक है सर। तो काफी कुछ सही नजर आ रहा है। कंपाउंडिंग ग्रोथ देखिए 10 साल की 12% है, 5 साल से 15%, 3 साल से 33% का मेंटेन कर रखा है इसने। तो ये है सेल्स ग्रोथ। और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 10 साल से 14%, 5 साल से 20%, 3 साल से 31%, ठीक है सर। स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखिए, सीएजीआर कैसे दे रही है, लगातार 10 साल से 23% का, 5 साल से 52% का, 3 साल से 70% का, और 1 साल में 76% का सीएजीआर दिया है कंपनी ने। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, 22%, 22%, 29%, तो बेहतरीन फंडामेंटल कंपनी है, कोई भी इस कंपनी में अभी तक कुछ भी हमें गलत नजर नहीं आया। आगे देखते हैं, आगे थोड़ा इसके बैलेंस शीट की तरफ देखते हैं, तो रिजर्व देखिए कंपनी के पास पहले 102 करोड़ हुआ करता था, फिर 142 करोड़, फिर 196 करोड़, आज की डेट में इसके पास लगभग 928 करोड़ का रिजर्व है। कर्जा देखिए, पहले कर्जा 4 करोड़, फिर 19 करोड़, 13 करोड़ हुआ करता था, आज की डेट में मात्र 3 करोड़ का कर्जा है। उसके बाद देखिए अब कर्जे अब कुछ बचा ही नहीं है, कंपनी बेहतरीन फंडामेंटल की है। एसेट देखिए टोटल, उसके बाद ये देखिए, अब यहां से हम इस पे चलते हैं कि कैश फ्लो ये दिखाता हूं मैं आपको सर, इसके रेशियो दिखाता हूं कि डेब्ट डेज क्या क्या है। अब देखो डेब्ट डेज वगैरह जो है वो 90 से कम अगर होते हैं और लगातार कम होते चले जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अब देखो पहले 64 दिन में ये डेब्ट डेज थे, फिर 79 डेज हुए, 83 डेज हुए, 68 डेज हुए, 74 हुए, 101 हुए, अब ये घट घट के 39 डेज तक आ गए। डेब्टर डे 90 से कम होने चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं और लगातार घटते हुए क्रम में रहने चाहिए, क्योंकि जो कर्जा है कंपनी का वो ये बता रहा है कि जो कंपनी के जो खरीदार हैं वो कितने दिनों में कंपनी को पेमेंट दे रहे हैं, कंपनी कितने दिनों में उनसे पेमेंट ले रही है। मान लो कोई काम करवा रही है, कंपनी पेमेंट ही नहीं ले पा रही है, कंपनी पेमेंट ले रही है साल साल भर में, 8 8 महीने में, 6 6 महीने में, क्या मतलब है? ये देखो कितनी जल्दी कंपनी पेमेंट ले रही है। उसके बाद इन्वेंट्री डेज, मतलब सामान को कितने दिनों में ये बाहर बेचने के लिए ले जा रही है। फिर डेज पेबल देगी, कितने दिनों में पैसा उनसे उन्हें दे रही है जो कि उसके बकायेदार हैं। तो सारा कुछ कंपनी ने मेंटेन कर रखा है, बहुत ही अच्छा लगा इसका सारा। आरओसी देखिए, आरओसी काफी मेंटेन है कंपनी में। अब शेयर होल्डर पैटर्न भी देखते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग 55.84%, एफआईआई 27%, डीआईआई देखिए 12.33%। एफआईआई ने थोड़ा संभाल बढ़ाया देखिए इस क्वार्टर में जून में, डीआईआई ने क्या किया, डीआईआई ने थोड़ा कम किया है, डीआईआई ने कम किया है, एफआईआई ने बढ़ाया है। तो कंपनी में फंडामेंटल बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त फंडामेंटल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम इसके टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं कि टेक्निकल चार्ट कंपनी का क्या कह रहा है। यहां तक अगर आपको समझ में आया हो इसके फंडामेंटल जैसे मैंने बताए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद अब इसके हम टेक्निकल चार्ट की तरफ चलते हैं कि टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है। अब देखिए इसकी, इसका टेक्निकल चार्ट है और ग्राफ देखिए कंपनी का, लगातार ऊपर की ओर, लगातार ऊपर की ओर चलता चला जा रहा है कंपनी का ग्राफ, कोई दिक्कत ही नजर नहीं आ रही कंपनी में, बड़ा बेहतरीन मेंटेन कर रखा है कंपनी ने। और ये देखिए फिर से ये ब्रेकआउट के लगभग है, ये आ गया देखो, ये कंपनी कितने पे चल रही है, अभी चल रही है 764 रुपया पे, और हाई इसका कितना है 837 रुपए का। ब्रेकआउट कहाँ हो जाएगा, 814 रुपए पे, 814 रुपए ब्रेकआउट हो जाएगा 837 रुपए पे। कंपनी में बहुत ही शानदार कंपनी, चार्ट बढ़िया शानदार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट के लिए साल 2 साल 3 साल के लिए बहुत ही बेहतरीन कंपनी नजर आ रही है ये कंपनी। मुझे यहाँ से आराम से ये 1000 रुपए तो अभी आपको दिखा देगी, और आप इसको अगर साल 2 साल होल्ड करते हैं तो ये कंपनी 2 2.5 3 हजार रुपये आसपास आपको दिखाई देगी। त्रिवेणी टर्बाइन, त्रिवेणी
करवाएं, अच्छी कंपनी है। और इन्वेस्ट आपको कहाँ करना है, इन्वेस्ट आपको ये कल के ट्रेडिंग सेशन में या ये 2-3 दिनों के बाद ये अच्छा मूव दिखाने वाली है कंपनी, और आपको ये बेहतरीन मूवमेंट दिखाएगी यहाँ से। जैसे ये ब्रेकआउट करेगी उसके बाद फिर नया हाई लगाएगी, और ये हाई लगा के मुझे इस बार 900 की तरफ जाती हुई बढ़ रही है। और इस कंपनी में कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने अगर आपको समझा पाया हो सही से तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और इस कंपनी में इन्वेस्ट जरूर करना। इन्वेस्ट करने लायक कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल है, चार्ट काफी अच्छा कह रहा है। अब किसी प्राइस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन लेना है 10-20% का, तो ये आपको इस हफ्ते शॉर्ट टर्म 10-20% का गेन आपको दिखा देगी। तो काफी कुछ मैंने समझाया त्रिवेणी इंजीनियरिंग के, त्रिवेणी टर्बाइन के बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।